सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच विद सोनिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही खूबसूरत दामन डिजाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी कुर्ती का घेर, दामन नीचे का हिस्सा जिस पे हम डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लाइंस बना ली हैं, 1.25 इंच के गैप पर 3 लाइंस बना ली हैं। और ये है 1.25 इंच चौड़ी पट्टी जो कि मैंने बॉटम के कपड़े से निकाली है। इस पर मैं इस तरीके से इसको फोल्ड करके बीच में कच्ची सिलाई लगा लूँगी। सिलाई का टाका बड़ा कर लेंगे क्योंकि ये वाली सिलाई हमें बाद में निकाल देनी है। फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई लगाकर डोरी बना ली है, इतनी चौड़ी हमें डोरी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमने लाइंस बनाई थी इस लाइन पर इस तरीके से डोरी को रखेंगे हम और स्टिच लगा देंगे। स्टिच हमें दोनों साइड लगानी है डोरी के, इस साइड भी और इस साइड भी। चलिए लगा लेते हैं। सिलाई के टांके को नॉर्मल कर लेंगे और स्टिच लगा लेंगे। और अब इस तरीके से सिलाई को घुमा लेंगे और इस पट्टी के दूसरी साइड भी स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी लाइन पर भी पट्टी स्टिच कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्ट्रिप्स स्टिच कर ली हैं फ्रेंड्स, और जो सेंटर में सिलाई लगी हुई थी वो भी मैंने निकाल ली है। और अब मैंने क्या किया है, तो फ्रेंड्स 3-3 इंच का गैप लेकर मैंने यहाँ पर लाइंस बना ली हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये जो बाकी की डोरी बची हुई है इस तरीके से हमें जॉइंट करनी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले और इस लाइन तक लेकर थोड़ी सी एक्स्ट्रा डोरी कट कर लेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक स्ट्रिप यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया, इस तरीके से मैं सारी ज्वाइंट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरीके से सारी स्टिच कर ली हैं स्ट्रिप्स। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इस नीचे वाले हिस्से को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर ये वाली जो लेस है इसको स्टिच कर देंगे इस तरीके से। चलिए कर लेते हैं इसको फोल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वाली स्ट्रिप और इस नीचे वाली ब्लैक स्ट्रिप के बीच में इस लेस को जॉइंट किया है और मैंने साइड से भी फोल्ड कर दिया है दोनों साइड से। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये इस वाली लेस के मेरे पास कुछ ये फ्लावर्स हैं, इस तरीके से मैं एक एक बॉक्स में लगा दूंगी फेविक्विक की मदद से। इस तरीके से हमारा जो है ये दामन का जो डिज़ाइन है बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाएंगे हम और इस तरीके से इसको चिपका देंगे सेंटर में। तो फ्रेंड्स, मैंने फ्लावर्स को चिपका लिया है फैब्रिक ग्लू से। तो ये हमारा जो है दामन का डिज़ाइन बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, ये वही कुर्ती है जो मैंने पिछली वीडियो में डिज़ाइन की थी, इसी का दामन मैंने इस वीडियो में बनाया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसको 1 घंटे के लिए सुखा देंगे ताकि जो फेवी ग्लू है सूख जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ में नए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।